आप देख पाएंगे संजीव ठाकुर है ये, है ना, कि बोलते थे कि ब्राह्मण ठाकुर कभी भी बीएसपी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने एक पोस्ट भी ट्वीट करा है और उन्होंने लिखा है, उलूल जुलूल बयान देके लालू डी राजा और राहुल गांधी ने मोदी के लोकसभा चुनाव जीतने का पूरा माहौल तैयार कर दिया है। अब कांग्रेस और विपक्ष के पास सिर्फ एक ही उपाय है जिससे वो हारी हुई बाजी को पलट सकते हैं। देश का पहला दलित प्रधानमंत्री के रूप में बहन मायावती का समर्थन देकर वो देश में मोदी के विजय रथ को आसानी से रोक सकते हैं। भाजपा के कट्टर समर्थकों का भी बहन मायावती का विरोध करना मुश्किल होगा। इंडिया गठबंधन के लठैत पार्टियां सपा रालोद जो भाजपा की बी टीम है, ये होने नहीं देंगे, क्योंकि इन पार्टियों को सपने में भी एक दलित नेता कभी स्वीकार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि अब जो तमाम लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वर्ण व्यवस्था इन्होंने बनाई थी, वो लोग भी इस वक्त बहन जी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन किए तो जो चाहे बुद्ध के साथ जो पहले पंचवर्गीय भिक्षु थे, जो पहले जो बुद्ध का ज्ञान लिया वो पंचवर्गीय भिक्षु ब्राह्मण थे। उन्होंने बुद्ध का ज्ञान लेने वाले जो सारनाथ के मरगदाव वन में पहले भिक्षु पंचवर्गीय भिक्षु थे वो ब्राह्मण थे। दूसरा उदाहरण देता हूं बाबा साहब अंबेडकर से। बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई 25 दिसंबर 1927 को, जो मनुस्मृति जलाई तो उनका साथ देने के लिए सहस्त्र बुद्धे नाम के ब्राह्मण ने साथ दिया। और बहन मायावती जी ने जब ये अंबेडकर पार्क और जितने ये पार्क बनाए, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के जो ऐतिहासिक जो स्थल बनवाए, तो यहां भी सतीश मिश्रा नाम के ब्राह्मण विद्वजन ने साथ दिया। मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि मनुवादियों में का एक विचार वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षता। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान लिख दिया तब से ये परिवर्तित हो गया, संविधान रक्षति रक्षता। और इसको कब वो लिखा कहां से, जो बाबा साहब ने लिखा अभी और कैसे लिखा है, ये बाबा साहब जब गुरु मानते थे कबीर को, तो कबीर दास जी का एक दोहा है क्योंकि बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है कि धर्म राज की नींव है और राज धर्म शमशीर, और कहत कबीरा राज को धर्म धरे शमशील। जो सीलवान है, जो सीलवान है, शासक है, वही राज सत्ता को लंबे समय तक के लिए धारण कर सकता है। ये कबीर की बात कही है। और वही राज सत्ता के गुण बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में दिए और संविधान को लागू करने वाली बहुजन समाज पार्टी में, एक बात। दूसरी बात, लेकिन कुछ प्रबुद्ध, ऐसा नहीं हर जाति में हर वर्ग में प्रबुद्ध वर्ग जो रहा है, जो नेशनल कंस्ट्रक्शन में जो राज को पूरे भारत के प्रबुद्ध समाज को बनाना चाहता है, तो प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी बहुजन समाज के साथ अब वो जाति धर्म की राजनीति छोड़ करके अब वो जो तथागत बुद्ध का जो था ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकन कंपाय, वो बहुजन हिताय क्या था बुद्ध के समय में? बुद्ध के समय में तो कोई सिख नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, तो बुद्ध का जो बहुजन था वो आज का सर्वजन है। ये बहुत सारे लोग नहीं समझते इस बात को, जो तथागत बुद्ध का बहुजन उस समय का बहुजन, तथागत बुद्ध का बहुजन हेता है बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय जो है वो आज बहुजन समाज पार्टी का सर्वजन है, सर्वजन हेता है सर्वजन। ये बहुत सारे हमारे नए नए जो जय 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 भीम करने वाले वो नहीं समझते इस बात को, तो अगर वो उनको समझ में आए तो वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा समझे। और जो लोग समझ रहे हैं प्रबुद्ध बहुजन, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, बहुत सारे लोग जो जाति प्रथा को खत्म करके समता मूलक विचारधारा के संविधान पर के मूल्यों पर और संविधान की पर संकल्पना और विचारधारा पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में लगे हुए और वोट भी देते हैं। ये गलत फहमी है कि नहीं देते वोट, ऐसा नहीं, लगे हुए, लेकिन बहुत कम लोग हैं। ये बात तो ठीक है, ये बहुत कम लोग हैं ऐसे, क्योंकि ज्यादातर मनुवादियों में जो 15% मनुवादियों में 14.5% तो उनको मनुवाद से मतलब है, उन्हें देश से मतलब नहीं है, उन्हें धर्म से मतलब है, उन्हें ना तो साइंस से मतलब, ना विज्ञान से मतलब, ना संविधान से मतलब, तो हाँ ज्यादातर नहीं, लेकिन कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग
वो बहुजन समाज, बहुजन चिंतकों की बात मानते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और राष्ट्र निर्माण में कोई भी क्षत्रिय, कोई भी वैश्य, कोई भी शूद्र और कोई भी क्षत्रिय और ब्राह्मण आता है तो हम उनका सम्मान करते हैं। तो बहन जी ने उस सम्मान को देने के लिए बाकायदा सर्वजन नेता है शब्द तक कर दिया, उनके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं, उनको भी नेता बनाया है। बहुत सारे ठाकुर लोग, ठाकुर जयवीर सिंह, आप देखिए ना, बड़े बड़े ठाकुरों के नेता पैदा किए हैं। ब्राह्मण में सतीश मिश्रा जी, बहुत सारे ब्राह्मण नेता पैदा किए हुए हैं। वो आता ना कि जब उनका दांव चलता है और ब्राह्मणवाद को जब प्रमोट करना होता है तो वो अभी देखिए ना राज्यसभा के इलेक्शन में, वो सारे जो सपा के ब्राह्मण, सारे ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दे दिया। वो भाई एक अलग इशू है। लेकिन जहां तक राष्ट्र निर्माण की बात है, भारत के राष्ट्र निर्माण की बात है, भारत के भविष्य निर्माण की बात है, भारत में भारत के जो आगे की, ठीक है जाति बात था, आइए हम आगे बढ़े और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को, जो लोग भी राष्ट्र निर्माण में भाईचारे की भावना में, समता मूलक समाज में जो विश्वास करना चाहते हैं, उन सबका आमंत्रण है। क्या अकेले बहुजन की बात नहीं, सर्वजन को सबका सम्मान है भाई। वोट तो आदमी कहीं भी डाल सकता है, अगर आप चाहते हैं कि इंसान, इंसानियत होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं भाईचारा होना चाहिए देश के लोग, अगर आप चाहते हैं कि जो 17 से 18 करोड़ जो मुस्लिम हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, दिक्कत क्या है? घृणा फैलाना जरूरी है क्या? हिंदू मुस्लिम बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये उनको सोचने का है। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल अड़ियल है, नहीं नहीं हम तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो वो गाय में प्लेटिनम निकाल के ही मानेंगे, हम तो गैस उस पे नाले में गैस बना के ही छोड़ेंगे, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब भारत का नौजवान जाग चुका है, अब महिलाएं जाग चुकी हैं, अब भारत का प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग जाग चुका है, पढ़े लिखे लोग जाग चुके हैं। अब वो इनका जो इनके लफाजेबाजी में आने वाले नहीं है, अब वो 5 किलो अनाज से तंग हो गए हैं, अब वो मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिए, काशीराम साहब ने एक बात कही थी 28 सितंबर 1986 में कि बाबा साहब ने रानी और मेहतरानी को एक धरातल पे ला दिया। ये बात इलाहाबाद में कही थी, इलाहाबाद में, कि बाबा साहब ने रानी और मेहतरानी को एक धरातल पे ला दिया है, एक समान वोट ला करके डाल दिया है। तो हम ये इक्वलिटी की बात वो कर रहे थे मानवर काशीराम साहब, समता मूलक समाज की बात कर रहे थे मानवर काशीराम। अब जो ओबीसी के जो नेता हैं, वो आजकल वो राहुल गांधी जी भी ये बात कह रहे हैं कि नहीं साहब जाति जनगणना होना चाहिए। लेकिन जाति जनगणना तो होनी चाहिए, सवाल ये है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में जाति गणना क्यों नहीं करवाई? और वहां पे चलो भाई, अगर ईमानदार कांग्रेस हो तो पिछले सारा बैकलॉग भर देना, वो एससी एसटी ओबीसी का बैकलॉग भर दे 27%, अगर वो ईमानदार हो तो कर्नाटक में भर दे, हिमाचल में भर दे। अरे उनके तो एमपी और एमएलए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं हिमाचल से, क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि वहां पे भी जहां जहां कांग्रेस भी या बीजेपी सत्ता में आती है तो वो सबका ना तो प्रतिनिधित्व करती है, ना उनको अधिकार देती है, ना सम्मान देती है। इसलिए लोग बहन कुमारी मायावती जी को याद कर रहे हैं। और मैं इस बात से सहमत हूं कि ज्यादातर 15% में से 14% मनुवादी अभी भी बीएसपी को वोट नहीं डालते, ये बात तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी हैं, हर जगह समझदार लोग होते हैं और हम हमें बहुजन समाज पार्टी उनका सम्मान करती है, हम उनको उनका भी आह्वान करते हैं राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ के कदम बढ़ाएं। आइए हम सब लोग राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़े। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है
बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए?